दोस्तों आज हम देखेंगे टिकटॉक में अपना फ़ोटो या किसी की फ़ोटो या कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, क्या अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोटो टिकटॉक के बैकग्राउंड में कैसे लगा सकते हैं या कोई भी फ़ोटो या अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं अभी का जो मेरा टिकटॉक है वो बिल्कुल ऐसा आ रही है, कोई बैकग्राउंड में कोई पिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ऐसा आ रही है। तो हम फोटो लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, जाने के बाद इस वाला बटन पे ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद इसको ऑफ करना पड़ेगा, इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे, उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे ऑफ ऑन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद इसको ऑन करना है, यहाँ पर इसको जाने के बाद आपको फिर से ऑफ कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह आप जा सकती हैं, यहाँ पर आपकी फ़ोटो की इमेज बड़ा कमा सकती है। तो इस तरह आप जा सकती हैं अपने होम स्क्रीन पर, तो इसको बढ़ाने के लिए ये वाला ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, उसको 90% करना पड़ेगा, उसके बाद आप टिकटॉक पे जाइए, जाके आप मेरा दूसरा फ़ोटो आ गई है मेरी स्क्रीन पे। इस तरह आप देख सकती है टिकटॉक में अपना फ़ोटो दिखाई दे रही है या किसी की फ़ोटो आप इस ऐप पर जाकर लगा सकती है, किसी की फ़ोटो आप लगा सकती है, इस तरह इस फ़ोटो को चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपकी टिकटॉक का बैकग्राउंड चेंज कर सकती है, बहुत ही इजी है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा टिकटॉक के बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो दोस्तों कुछ भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।